Hello and welcome back to Mech Zone. In the previous lecture, we have already finished with all the major metal forming processes. However, bending is left. We shall be uploading it later on. So today, we'll be starting with casting, which is one of the most important production technology topics, and it is being asked every year. About 1 or 2 marks questions are being consecutively asked in GATE and SSC JEE and ESE also. So the type of questions that can be asked from this section are either 1 marker question or 2 marks questions in the form of numericals. So to start with, we will first come to what actually casting is. So casting is actually a process in which a metal in the liquid form, that is the molten metal, is allowed to solidify in a predefined mold cavity. Ek mold cavity mein hum log liquid metal ko solidify karate hain, and then that liquid metal upon solidification assumes the shape of that mold. Matlab jo sancha hota hai uski shape hamara liquid metal jab solidify hoga to wo obtain kar lega. So this is the process which is called as casting. A mold kya hai? It is actually a type of hollow cavity jisme hum log apne metal ko solidify karayenge. Molding kya hai? It is the process of making a mold using a pattern. Aur pattern kya hota hai? Exact replica of the part which is to be cast. Jo part aapko banana hai, usi ka exact replica jo hai, that will be called as a pattern. To yahan par sabse important baat ye hai ki casting mein hum log liquid metal ko use kar rahe hain. Matlab jo bhi metal hoga usko bahut high temperature pe heat karenge, usko uske liquid form mein layenge, use molten state mein layenge, and then it is allowed to solidify in a predefined mold cavity. And then या तो आप जो मोल्ड है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं भी करते हैं. तो ये एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे अपने कास्टिंग के क्लासिफिकेशन में. सो नाउ वी कम टू व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग. एडवांटेजेस तो सबसे बड़ा ये है कि कॉम्प्लेक्स शेप बहुत ईजिली प्रोड्यूस की जा सकती हैं बाय कास्टिंग से. ये एक लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं. सॉफ्ट डक्टाइल हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी कास्टेड बाय मीन्स ऑफ कास्टिंग. ठीक है, लार्ज हैवी पार्ट्स कैन बी मेड इजली. लार्ज और हैवी पार्ट्स को भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं. वन पीस पार्ट्स वर्सेज मल्टीपल पीस पार्ट्स, मतलब एक भी पीस बना सकते हैं और कई सारे ऐसे पार्ट से मिलके जो एक पीस है उसको भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं. लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स भी बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं. और कास्टिंग जो है वाइडली यूज्ड प्रोसेस है. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इंटरनल पोरोसिटी. पोरोसिटी का मतलब है पोरस स्ट्रक्चर हो जाता है आपके मोल्ड में, तो उसके कारण को आपके कुछ जो स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगा, जो मटेरियल आपको ऑब्टेन होगा आफ्टर कास्टिंग, हो सकता है उतना डिजायरेबल फॉर्म या शेप में ना हो जितना आपको चाहिए. डायमेंशनल वेरिएशंस ड्यू टू द श्रिंकेज, इसमें क्या होता है, डेफिनेटली अब जब जो लिक्विड मेटल है जब वो सॉलिडिफाई होगा तो इट विल अंडरगो श्रिंकेज. तो श्रिंकेज से आपका जो शेप एंड साइज मतलब चाहिए होता है वो नहीं होता, कुछ और थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है कुछ मटेरियल्स के केस में. ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज, सॉलिड्स एंड गैसेस, डेफिनेटली हो सकता है आपके मोल्ड के सरफेस पे या मोल्ड जिससे आपने मटेरियल से बनाया है उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ हों, वो मेटल के साथ मिक्स होकर उसमें ट्रैप भी हो सकती हैं. हाई टॉलरेंस, स्मूथ सर्फेसिस आर नॉट पॉसिबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेजेस है कि स्मूथ सर्फेसिस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, हमें इसमें मशीनिंग भी करनी पड़ती है. ठीक है, तो मशीनिंग करने के बाद, ग्राइंडिंग करने के बाद, देन वी आर ऑब्टेनिंग फाइनली द डिजायर्ड शेप एंड साइज एंड क्लोजर टॉलरेंसेज. मोर कॉस्टली देन स्टैम्पिंग और एक्सट्रूडिंग इन सम केसेस. कभी कभी ये हमारी जो प्रोसेस होती है ये हमारा एक्सट्रूजन से भी महंगी हो जाती है, क्योंकि एक्सट्रूजन काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में, लेकिन हमारा जो कास्टिंग है ये उससे भी कभी कभी कॉस्टली हो जाता है. अब इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले हमारा सैंड मोल्ड कास्टिंग, मतलब जो हमारा मोल्ड या फिर सांचा होगा इट इज मेड अप ऑफ सैंड. सैंड में और भी कई सारे मटेरियल्स हम लोग मिक्स करते हैं सो एज टू गिव इट अ फर्म शेप और उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, और देन मोल्टन मेटल उसमें हम लोग पोर कर देते हैं विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर. कोई प्रेशर हम लोग अप्लाई नहीं करते बिकॉज जो ग्रेविटी के कारण वो लिक्विड मेटल गेट्स स्टार्ट्स टू सेटल डाउन इन द मोल्ड कैविटी. सो देर इज नो एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर इन सम कास्टिंग प्रोसेसेस, वेरियस हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रोसेसेस कास्टिंग की जहां पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं. परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का मतलब होता है जो हमारा मोल्ड है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और वो मोल्ड जो होगा हमारा परमानेंट होगा. वेरियस सैंड मोल्ड में हमारा जो मोल्ड बनता है सैंड से वो बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है.
डाई कास्टिंग में क्या होता है, द मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर. यहां पर वी आर अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स सो एज टू मेक द मोल्टन मटेरियल फ्लो इनटू अ स्पेसिफाइड शेप और कैविटी. एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग और कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग. ये होता है हमारा. सो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं कि किस तरीके से कास्टिंग हमारा की जाती है. दिस इज एक्चुअली द राइजर. ये होता है हमारा राइजर. एक होता है पोरिंग बेसिन. पोरिंग बेसिन में से हम लोग अपने मोल्टन मेटल को पोर करेंगे. फिर आता है स्प्रू. फिर आता है आपका गेट. गेट क्या है, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी. मोल्ड कैविटी में एंटर करने के लिए जो हमारा एंट्री पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज गेट. फिर गेट से हमारा मोल्टन मेटल यहाँ पर हमारी मोल्ड कैविटी में आ जाएगा और जितना भी एक्सेस मेटल होगा हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा मोल्टन मेटल ये राइजर तक भर देते हैं ऊपर तक. क्यों भरते हैं, क्योंकि अगर आपका सॉलिडिफिकेशन हुआ और कुछ श्रिंकेज पॉसिबल तो डेफिनेटली होता ही होता है, तो अगर श्रिंकेज हुआ तो वॉल्यूम ऑफ मेटल मे बी डिक्रीज इन दिस मोल्ड कैविटी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए राइजर को प्रोवाइड किया जाता है सो एज टू प्रोवाइड द मोल्टन मेटल आफ्टर द श्रिंकेज इज टेकिंग प्लेस. तो पोरिंग बेसिन से हम लोगों ने पोर कर दिया, लिक्विड मेटल स्प्रू से होते हुए गेट से होते हुए हमारा मोल्ड कैविटी में फिल हो जाएगा. तो इसमें दो बॉक्स होते हैं, एक अपर बॉक्स होता है एक लोअर बॉक्स होता है. जो अपर बॉक्स होता है उसे हम कहते हैं कोप और जो लोअर बॉक्स होता है उसे हम कहते हैं ड्रैग. ये होता है हमारा वुडन बोर्ड. इस वुडन बोर्ड पे रखते हैं हम लोग इसे. ये डबल पिंस लगा दी जाती है सो एज टू मेक दीज टू बॉक्सेज लाइक कोप एंड ड्रैग स्टे टुगेदर. और बीच में ये जो आप लाइन देख रहे हैं एक्चुअली ये पार्टिंग सैंड होती है. एक सैंड डाली जाती है, ड्राई सैंड होती है एकदम, उससे हम लोग पार्टिंग लाइन बनाते हैं इसकी सो एज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कोप एंड द ड्रैग. सो जनरली यहाँ पर हमें याद रखना है जो ऊपर वाला बॉक्स है दैट इज कोप, नीचे वाला बॉक्स दैट इज ड्रैग. राइजर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, सो एज टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज. पोरिंग बेसिन से पोर करेंगे, होते हुए ये स्प्रू से होते हुए, फिर हमारा गेट से होते हुए फाइनली मोल्ड कैविटी में ये फिल हो जाएगा. Now we come to the different forms of casting and terminologies. हमारे casting में कई सारे terminologies हैं जो हमें याद रखना है. देखिए almost सबके बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पर एक हम quick review देख लेते हैं. Pouring basin वो area cup है या pouring cup या pouring basin वो पॉइंट है जहां पर हम लोग अपने लिक्विड मेटल को पोर करेंगे. डाउन स्प्रू का मतलब जो स्प्रू ये जो एरिया है यहां से आपका लिक्विड मेटल होते हुए फिर जाएगा आपकी फाइनली मोल्ड कैविटी में भर जाएगा. राइजर में वो राइज कर जाता है. तो फ्लास्क क्या है, फ्लास्क इज एक्चुअली द बॉक्स विच इज कंटेनिंग द मोल्ड. एक आपका बॉक्स होता है जिसमें आपका एक्चुअली सैंड मोल्ड रखा होगा. कोप क्या होता है, द टॉप हाफ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द टू पार्ट मोल्ड. मतलब अगर आपका पूरा एक बार में बनाना पॉसिबल नहीं होता तो हम उसे दो पार्ट्स में बनाते हैं. ऊपर वाला कोप हो जाता है, नीचे वाला ड्रैग हो जाता है. तो बस हम इसमें यही याद रखना है कि कोप ऊपर होता है और ड्रैग हमारा नीचे वाला बॉक्स होता है. कोर क्या है, अ शेप विच इज इंसर्टेड इनटू द मोल्ड टू फॉर्म इंटरनल कैविटी. अब अगर यहाँ पर हमें डिजायर्ड कैविटी चाहिए तो हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोर. कोर प्रिंट क्या होता है, अ रीजन विच इज यूज टू सपोर्ट द कोर. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंड वी नीड टू डेफिनेटली रिमेंबर दीज फंक्शंस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोर प्रिंट. तो कोर का मेन फंक्शन होता है टू फॉर्म एन इंटरनल कैविटी एंड कोर प्रिंट इज अ रीजन विच इज यूज टू सपोर्ट द कोर. मोल्ड कैविटी क्या है, मोल्ड हमारा वो हॉलो रीजन है या हॉलो एरिया है जहां पर हमारा सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल इज टेकिंग प्लेस. राइजर क्या है, राइजर इज द पोर्शन विच इज मेनली प्रोवाइड टू प्रिवेंट द श्रिंकेज ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन. जो सॉलिडिफिकेशन के कारण आपका श्रिंकेज होगा उस श्रिंकेज में कुछ वॉल्यूम डेफिशिएंसी आएगी, तो उस वॉल्यूम डेफिशिएंसी को मेक ओवर करने के लिए वी आर यूजिंग द राइजर. गेटिंग सिस्टम क्या है, चैनल्स यूज टू डिलीवर द मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी. सो हियर दिस इज एक्चुअली द गेटिंग सिस्टम वेयर द मोल्टन मेटल इज अलाउड टू फ्लो एट सर्टन वेलोसिटी एंड सर्टन रेट इनटू द मोल्ड कैविटी. पोरिंग कप क्या है, पोरिंग कप इज द पार्ट ऑफ द, ये पूरा देखिए पूरा आपका गेटिंग सिस्टम हो गया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक. तो जो हमारा पोरिंग कप है इट इज एक्चुअली द पार्ट वेयर द मोल्टन मेटल इज बीइंग ड्रॉप्ड इनटू दिस कैविटी इनटू द रनर एंड फाइनली इनटू द राइजर एंड देन इनटू द मोल्ड कैविटी. रनर्स क्या है, रनर्स आर द हॉरिजॉन्टल चैनल्स. दीज आर द रनर्स विच आर रनिंग हॉरिजॉन्टली. ओके, तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले पोरिंग कप में आएगा, फिर स्प्रू में आएगा, फिर रनर में आएगा, फिर राइजर में आएगा एंड देन इट इज कमिंग इनटू द मोल्ड कैविटी. तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है क्योंकि ऑर्डर भी एग्जाम्स में पूछा जाता है. पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस इज एक्चुअली द सरफेस विच इज डिवाइडिंग द कोप एंड द ड्रैग इनटू द टू हाफ्स.
इन केस ऑफ द टू पार्ट मोल्ड. नेक्स्ट हमारा ड्राफ्ट है. ड्राफ्ट के बारे में भी हम अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ड्राफ्ट इज मेनली प्रोवाइडेड सो एज टू इजली रिमूव द कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड. जो हमारा मोल्ड है उसमें से हम अपने कास्टिंग को ईजिली निकाल सकें, इसीलिए वी आर प्रोवाइडिंग ड्राफ्ट. कोर बॉक्स क्या होता है? मोल्ड और डाई विच इज यूज टू प्रोड्यूस द कोर्स. कास्टिंग क्या है? द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉलिडिफाइंग द मेटल इन अ प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी. अब जब मेटल हमारा सॉलिडिफाई करेगा तो कैसे कैसे ग्रेन्स बनते हैं, कैसे कैसे हमारा सॉलिडिफिकेशन होता है, यहाँ पर ये दिखाया गया है. ये जो हमारा चिल जोन है, कॉलमनर जोन मतलब कॉलम शेप्ड जो ग्रेन्स बनेंगे, इक्वी एक्स ग्रेन्स बनेंगे. इक्वी एक्स का मतलब होता है कि जे दे आर ग्रोइंग इन ऑल द डायरेक्शंस. ठीक है, तो इक्वी एक्स स्ट्रक्चर बन जाता है. तो फाइनली ए बी से सी तक जाएंगे. तो जो हमारी इक्वी एक्स ग्रेन्स होती हैं दे आर सॉफ्ट एंड डक्टाइल इन नेचर एंड दे ग्रो ऑलमोस्ट इन ऑल द डायरेक्शंस. और जब हमारा जिस टेम्परेचर पर हम उसे पोर करेंगे, सो द पोरिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट और द मेल्टिंग टेम्परेचर प्लस द डिग्री ऑफ सुपर हीट. मतलब डेफिनेटली पोरिंग टेम्परेचर जो होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा ही होगा. ठीक है, और जो हमारी कोर्स ग्रेन्स होती हैं, जो हमारी कोर्स ग्रेन्स हैं उसमें ये देखा गया है कि दे आर मोर पोरस बिकॉज इनके बीच में कुछ पोरोसिटी आ जाती है. सो जनरली हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है सो एज टू गेट द बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. और यहाँ पर कास्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन ऑफ दीज ग्रेन्स. तो अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो सबसे पहले जो सरफेस पे ग्रेन बनेगा वो सबसे फाइन ग्रेन होता है, उसके बाद कोर्स ग्रेन बनता है, फिर कॉलमनर ग्रेन बनता है. तो सबसे पहले अगर आप इंटरनल सर्फेस पे देखें तो फाइन ग्रेन, फिर आपका कोर्स ग्रेन, फिर आपका कॉलमनर ग्रेन्स. सो कॉलमनर ग्रेन्स क्या होते हैं? कॉलमनर ग्रेन्स आर मेनली शोइंग द डायरेक्शनल बिहेवियर, वेयर एज इक्वी एक्स ग्रेन्स आर सॉफ्ट एंड डक्टाइल इन नेचर. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होगा वो मेनली टुवर्ड्स द सेंटर आता जाएगा, और जो हमारा फाइन होगा वो एग्जैक्टली काफी हमारा बाउंड्री पर रहेगा. और जो हमारे फाइन ग्रेन्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. तो फाइन ग्रेन्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, इक्वीएक्स ग्रेन्स आर सॉफ्ट एंड डक्टाइल, और फिर आते हैं हमारे कॉलमनर ग्रेन्स विच आर शोइंग द डायरेक्शनल बिहेवियर. तो यहाँ पर हमने दिखाया है एक्सपेंडेबल मोल्ड्स का मतलब होता है कि यहाँ हमारा जो मोल्ड होगा उसको बाद में हम डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारा कास्टिंग ऑब्टेन होने के बाद. सो ये वैक्स कास्टिंग प्रोसेस है, ये भी हम लोग बाद में हमने डिस्कस करेंगे. परमानेंट मोल्ड्स में हम लोग अपने मोल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको हम लोग मेटल से बनाते हैं या किसी भी धातु से बनाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है. वेरेज यहाँ पर सैंड से और वैक्स से बनाने वाले मोल्ड्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे. एंड दीज आर सम parts or you can say geometries which are being produced by casting. So you can see in this pic, यहाँ पर casting से हम लोगों ने ये चीज़ें obtain की हैं. Metal solidification के बारे में भी have already discussed. Main points ये है कि हमारा slow cooling rate जब होगा तो dendrites produce हो जाएंगे. Dendrites आपने nerve cells या neurons में पढ़े होंगे biology में, with larger branch spacing. Faster cooling rates producer finer spacing, very fast cooling rates producer no dendrites. तो ये बहुत important है कि अगर हमारा slow cooling हुई तो slow cooling में dendrite बनता है, धीरे धीरे grow करेगा. Whereas अगर हमारी cooling बहुत fast हो गई तो उसके case में हमारे there will be no dendritic growth. तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के अकॉर्डिंग हमारी कास्टिंग की जो प्रॉपर्टीज है वो भी वेरी कर जाती है. ठीक है, तो कूलिंग रेट पर भी हमारा काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हमारी फाइनल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अलाउंसेस के बारे में, और अलाउंसेस हमेशा हमारे पैटर्न पर दिए जाएंगे. एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आर, जो हमारा सबसे पहला है दैट इज़ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस. श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस में आप देख रहे हैं ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है करस्पॉन्डिंग टू थ्री टेम्परेचर्स टीपी टीएफ एंड टीए. टीपी इज द पोरिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड मेटल पोर किया जा रहा है, और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा. डेफिनेटली ये कूल डाउन होगा तो इट विल अंडरगो कूलिंग. तो सबसे पहले आता है लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड जो होगा वो थोड़ा थोड़ा श्रिंक करेगा. उसके बाद फेस चेंज आएगा दैट इज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, एंड इट इज टेकिंग प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टीएफ. टीएफ इज द
फ्रीजिंग, टेम्परेचर. सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे भी गए हैं. उसके बाद हमारा जो श्रिंकेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड श्रिंकेज एंड टी ए इज द एम्बियंट टेम्परेचर. सो इन द सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हमारी लैटेंट हीट रिमूव होगी और लैटेंट हीट के रिमूव होने से हमारा यहाँ पर हम देखेंगे जो फेस का जो चेंज हो रहा है दैट इज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को वो करस्पॉन्ड करेगा. एंड दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर वर्सेज टाइम. एक्चुअली एक्स एक्सिस पे यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, ये टाइम के लिए दिया, द टाइम के लिए प्लॉट किया जाएगा. तो सॉलिड श्रिंकेज कंपनसेट्स फॉर द श्रिंकेज अलाउंस इन द सॉलिड स्टेट whereas liquid and solidification by providing riser. हम riser जब provide करते हैं mainly वो करते हैं liquid shrinkage और solidification shrinkage दोनों के लिए करते हैं. तो हमें ये बात याद रखनी है कि riser is provided for liquid as well as in case of solid shrinkage, solidification shrinkage both, whereas solid shrinkage is compensated for shrinkage allowance in the solid state. और जनरली जो आपका राइजर होता है इट सॉलिडिफाइज आफ्टर द कास्टिंग. क्यों? क्योंकि अगर आपका राइजर पहले ही सॉलिडिफाई हो गया और वॉल्यूम में अगर डेफिशिएंसी आई तो राइजर कैसे आपका एक्सेस जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको कैसे सप्लाई करेगा. तो जनरली जो हमारा सॉलिडिफिकेशन ऑफ द राइजर इज टेकिंग प्लेस लेटर और आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग. और जितना भी लिक्विड सॉलिडिफिकेशन होता है इट इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज फॉर्म. और जो हमारा सॉलिड सॉलिडिफिकेशन होता है इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर पर मीटर के यूनिट्स में होगा. तो लिक्विड सॉलिडिफिकेशन परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड वाला सॉलिडिफिकेशन जो होगा वो mm पर मीटर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. और जो हमारा राइजर होता है राइजर इज ऑल्सो सॉलिडिफाइंग आफ्टर कास्टिंग. ये कैसे इंश्योर करेंगे जो हमारा राइजर है वो आफ्टर कास्टिंग सॉलिडिफाई होगा. दिस इज इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग लेस सरफेस एरिया ऑफ द राइजर. तो जब सरफेस एरिया लेस हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर भी हमारा घट जाएगा. तो हीट ट्रांसफर जब हमारा घट जाएगा तो उसका जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो बाद में होगा. और कूलिंग प्रोसेस के लिए हम लोग अपना देखते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव हो रही है देन इट इज अंडरगोइंग श्रिंकेज. अल्फा की वैल्यू जीरो हो रही है देन देयर इज नो चेंज फॉर इन केस ऑफ इनवार एंड बिस्मथ. इनवार एंड बिस्मथ आर नियरली इन एक्सपेंडेबल मटीरियल्स. इनमें कोई भी श्रिंकेज या एक्सपेंशन नहीं होता तो वो हमारा हो गया अल्फा इज इक्वल टू जीरो फॉर इनवार एंड बिस्मथ. वेयर इज अल्फा इज नेगेटिव ये करस्पॉन्ड करेगा हमारा एक्सपेंशन को और इसका एग्जाम्पल होता है ग्रे कास्ट आयरन. तो ये था हमारा कि डिफरेंट मटीरियल्स या डिफरेंट मेटल्स कैसे कैसे हमारे श्रिंकेज करेंगे. और अगर बात करें एल्युमिनियम की तो एल्युमिनियम हैज द मैक्सिमम लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन पैटर्न श्रिंकेज. सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द राइजर ज्यादा चाहिए होती है. वी आर रिक्वायरिंग मोर वॉल्यूम ऑफ द राइजर एंड एल्युमिनियम इज हैविंग द मैक्सिमम लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज. वेयर स्टील की बात करें तो स्टील में जो टोटल श्रिंकेज होता है दैट इज मैक्सिमम. टोटल श्रिंकेज मतलब लिक्विड श्रिंकेज प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज प्लस सॉलिड श्रिंकेज इज एक्चुअली मैक्सिमम इन केस ऑफ द स्टील. वेयर एज इन केस ऑफ द ब्रास वी आर रिक्वायरिंग लार्ज साइज ऑफ द पैटर्न. तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज इज टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ एल्यूमिनियम. टोटल श्रिंकेज सबसे ज्यादा होता है हमारा स्टील में. और ब्रास में हमारा क्या होता है देयर इज लार्ज साइज ऑफ द पैटर्न विच इज रिक्वायर्ड हेयर. तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अपने मटेरियल्स के बारे में तो ग्रे कास्ट आयरन की अगर बात करें तो उसका अल्फा जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इट इज नेगेटिव. नेगेटिव सिंपली मीनिंग कि इट विल अंडर गो एक्सपेंशन व्हाइल इट विल कूल. तो जनरली इसमें नो राइजर हम लोग जनरली ग्रे कास्ट आयरन में कोई भी राइजर यूज नहीं करते बिकॉज इट इज अंडर गोइंग एक्सपेंशन व्हाइल इट इज कूलिंग. सो जो ग्रे कास्ट आयरन है वो कहाँ यूज होता है इट इज मेनली यूज टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस. ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट फ्लेक्स के बीच में इसमें जो गैप्स होता है उन गैप्स में हम लोग वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करा सकते हैं. तो ग्रे कास्ट आयरन इज मेनली यूज इन द एप्लीकेशंस टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस. फॉर एग्जांपल मशीन बेड्स एंड डैम्पिंग प्रॉपर्टी बेड्स. तो जो डैम्पनेस जो डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है वो ग्रे कास्ट आयरन की काफी अच्छी होती है इसीलिए हम लोग उसे वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर लेते हैं. और जनरली नो राइजर इज यूज इन केस ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन. और ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग बनाते हैं कपोला फर्नेस में. कपोला फर्नेस में जहां हम लोग मेल्टिंग ऑफ पिग आयरन मतलब
Fe plus carbon, जो हमारा iron plus carbon, it is actually called as the pig iron, it is the purest form of iron, about 98.7% iron इसमें होता है. और वैसे तो अर्मोको आयरन होता है प्योरेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें 99.8 होता है, बट जो हमारा यूज जो हम करते हैं वो पिग आयरन करते हैं. और इस पिग आयरन में हम लोग सिलिकन का एडिशन करते हैं, तो सिलिकन को ऐड करने से हमारा आयरन और कार्बन जो होता है वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है. अलग अलग सेपरेट हो जाता है तो ग्रेफाइट फ्लेक्स जो हो जाते हैं वो हमारा एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं, यानी HCP स्ट्रक्चर बन जाता है. और दूसरी तरफ हमारा BCC स्ट्रक्चर बन जाता है, जो अल्टीमेटली चेंज होकर हमारा HCP ही बन जाएगा. तो जो हमारे ग्रेफाइट फ्लेक्स ऑब्टेन होंगे, उन ग्रेफाइट फ्लेक्स के बीच में देयर विल बी गैप्स, एंड ये गैप्स दे कैन बी इजिली यूज टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस. सो नेगेटिव अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न इन केस ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन. मतलब अगर आपका साइज ऑफ द, मतलब इसका ये मतलब हुआ द साइज ऑफ द पैटर्न इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कास्टिंग. ठीक है, द साइज ऑफ द पैटर्न यहां पर होगा हमारा लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कास्टिंग. इट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव अल्फा बीइंग नेगेटिव, मतलब इट विल एक्सपैंड वाइल कूलिंग. अब डेफिनेटली सी बात है, अगर आप साइज पहले ही ज्यादा दे दोगे तो वो तो एक्सपैंड कर जाएगा, तो साइज और बड़ा हो जाएगा. तो डेफिनेटली द साइज ऑफ द पैटर्न हमें लेस रखना पड़ेगा इन केस ऑफ द कास्ट आयरन. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फ्लूइड फ्लो, की जो हमारा फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो मेटल इज पोर्ड थ्रू द पोरिंग कप, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द टिपिकल राइजर गेटेड कास्टिंग. राइजर सर्व एज रिजर्वॉयर्स, सो राइजर्स दे आर एक्चुअली सर्विंग एज रिजर्वॉयर्स, सप्लाइंग मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग एज इट इज श्रिंकिंग ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन. तो जो हमारा राइजर है इट इज कंपनसेटिंग फॉर लिक्विड श्रिंकेज एज वेल एज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज. तो राइजर्स होल्ड एंड सप्लाई एक्चुअली रिजर्वॉयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल इसमें पोर कर दिया जाता है, सो दैट डेफिशिएंसी के दौरान या डेफिशिएंसी या फिर रिक्वायरमेंट के दौरान वो हमारा मेटल उसे सप्लाई कर सके. तो गेट्स आर डिजाइंड टू प्रिवेंट द कंटामिनेंट्स फ्रॉम रीचिंग द मोल्ड कैविटी. कोई भी कंटामिनेंट हमारा मोल्ड कैविटी को रीच नहीं करना चाहिए, गेटिंग सिस्टम इस तरीके से डिजाइन होता है. नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंट टर्म्स लाइक फ्लूडिटी ऑफ द मेटल. फ्लूडिटी क्या होती है? इट इज द केपेबिलिटी ऑफ द मोल्टन मेटल. कई जगह पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लूडिटी इज द एबिलिटी ऑफ सैंड, कैविटी, मोल्टन मेटल या फिर आपका नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर इज मोल्टन मेटल. फ्लूडिटी जो प्रॉपर्टी है इट इज मेनली ऑफ द मोल्टन मेटल. अब विस्कोसिटी का मतलब क्या है? गाढ़ापन. अगर हमारा लिक्विड, अगर हम कंपेयर करें अपने वाटर को और हनी को, देन हनी डेफिनेटली हैज हायर विस्कोसिटी एज कंपेयर्ड टू वाटर. तो जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है डेफिनेटली इट विल अंडरगो फ्लूडिटी, उसकी कम हो जाएगी. सरफेस टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेस फ्लूडिटी, ऑफन कॉज्ड बाय ऑक्साइड फिल्म्स. इंक्लूजन मतलब होता है जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड दे आर जनरली इनसॉल्युबल. तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हमारे डिसॉल्व हो रहे हैं दे आर मेनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन विस्कॉसिटी, एंड हेन इंक्रीजिंग विस्कॉसिटी देयर फॉर रिड्यूसेज द फ्लूडिटी. सॉलिडिफिकेशन पैटर्न मतलब जो हमारा फ्लूडिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर रेंज. तो यहाँ पर हमें पता करना है बस हमारा जो फ्लूडिटी कैसे मेजर करते हैं. फ्लूडिटी इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ अ स्पाइरल टेस्ट. इसे हम कहते हैं जो हमारा होता है दैट इज फ्लूडिटी इंडेक्स. ठीक है, तो इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? इट इज मेनली यूज टू मेजर द फ्लूडिटी. द फ्लूडिटी इंडेक्स इज द लेंथ ऑफ द सॉलिडिफाइड मेटल इन द स्पाइरल पैसेज. जो भी हमारा जितनी लेंथ तक वो सॉलिडिफाई हो पाया उस लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं, एंड दिस इज द टेस्ट ऑफ फ्लूडिटी. हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? डेफिनेटली आपका जब ठंडा होगा हमारा मोल्टन मेटल सो हीट विल बी ट्रांसफर्ड. अगर हमारा कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो गया तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा और बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाएगा. वेरेज अगर हमारा एरिया कम हो गया तो हमारा हीट ट्रांसफर कम होगा और वो देर में ठंडा होगा. श्रिंकेज ड्यूरिंग द कूलिंग कैन बी द पार्ट डायमेंशन एंड समटाइम्स कॉज क्रैकिंग ऑल्सो. अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर हो गया तो इट मे इवन रिजल्ट इन क्रैकिंग. इट इज कॉज्ड बाय द मेटल्स थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज एंड द फेज चेंज बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड, जो कि मैंने आपको ग्राफ में बता चुका हूँ. ये जो स्लाइड है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा एक स्लाइड में समराइज कर दिया है अबाउट द प्रोसेस, कौन कौन सी कास्टिंग प्रोसेसेस होती हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. आपको मेन पढ़ना है उसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि कई बार हमें पूछा जाता है कि दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस. तो जो इंजन ब्लॉक्स होते हैं और सिलेंडर हेड्स होते हैं दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय सैंड कास्टिंग. शेल मोल्ड से हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? कनेक्टिंग रॉड्स एंड गियर हाउसिंग्स.
एक्सपेंडेबल पैटर्न से हमारा सिलेंड्रिकल हेड्स ब्रेक कंपोनेंट्स, एक्सपेंडेबल पैटर्न मतलब हमारे पैटर्न को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्लास्टर मोल्ड में हमारा होता है प्रोटोटाइप्स फॉर मैकेनिकल पार्ट्स, सिरामिक मोल्ड्स में हमारा इम्पेलर्स, इंजेक्शन मोल्ड टूलिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हमारा ज्वेलरी। ये जनरली बहुत बार पूछा गया है कि ज्वेलरी दैट इज जो हमारे गहने और जवाहरात होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। परमानेंट मोल्ड जहाँ मोल्ड को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। डाई कास्टिंग फिर होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, मतलब हम लोग उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट हायर वेलोसिटी सो एज कि जो हमारा डेंस मटेरियल है वो बेस पर सेटल हो जाएगा और लेसर डेंस पार्टिकल्स आर अबव द सरफेस। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमारा जो कास्टिंग प्रोसेस है इट इज बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री लेक्चर्स। तो ये पहला लेक्चर था, इसके बाद दो लेक्चर्स हमारे और हैं कास्टिंग के ऊपर जिसमें हम आगे और कास्टिंग का डिस्कशन करेंगे। सो सिंस इट इज अ दिवाली सीजन, सो वी वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेफ एंड अ प्रॉस्परस दिवाली। आपको दिवाली आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करें कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। जिस तरीके से दीपक से सारे अंधियारे दूर हो जाते हैं, आपके जीवन में भी सारा जो दुख है अंधियारा है वो सब दूर हो जाए और आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर आए। और विद दिस वी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम द टीम मेक जोन। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताइए सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड, क्योंकि हमारे चैनल पे इकलौता एक ऐसा चैनल है ये हमारा जहाँ पर एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली फॉर फ्री। दैट इज स्टडी मटेरियल भी हम दे रहे हैं और हमारा वीडियो लेक्चर्स भी हैं विच आर ऑफ गुड क्वालिटी। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच।